Hello everyone, myself Dr. Naira Johar and I am working in a Ganesh Diagnostic and Imaging Center. आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लॉटिंग टाइम टेस्ट के बारे में. क्लॉटिंग टाइम टेस्ट होता क्या है? ये हमारे ब्लड को इवेलुएट करता है कि ब्लड हमारा क्लॉट फॉर्मेशन में कितना टाइम ले रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्लॉटिंग टाइम टेस्ट किन लोगों में किया जाता है और क्यों किया जाता है? क्लॉटिंग टेस्ट हमारा असेस करता है क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स को या फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स की डिफिशेंसी को, या उन लोगों में जिनमें कॉगुलेशन या क्लॉट बहुत जल्दी बनता है या बहुत देर से बनता है. थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर्स, हीमोफीलिया, ये डिटेक्ट करता है. वॉन विलब्रांड्स डिजीज़ को ये मॉनिटर भी करता है जो लोग एंटीकॉगुलेंट थेरेपी पे होते हैं, जैसे कि हेपारिन, वारफेरिन, और मॉनिटर करता है कुछ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में जिसमें पेशेंट एंटीकॉगुलेंट थेरेपी ले रहा होता है या एस्पिरिन पर होता है. ये कुछ प्रोसीजर सर्जिकल प्रोसीजर से भी पहले देखा जाता है ताकि सर्जरी में कोई दिक्कत ना आए. इस टेस्ट से पहले हमें किसी स्पेसिफिक प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो लोग हेपारिन या वारफेरिन या कोई एंटीकॉगुलेंट थेरेपी पर होते हैं इससे कुछ दिन पहले ये बंद करना होता है ताकि टेस्ट का एक्चुअल रिजल्ट हमें पता लग सके. क्लॉटिंग टाइम टेस्ट करने के लिए काफ़ी तरीके होते हैं. क्लॉटिंग टाइम हमारा मेनली वरी करता है 2 to 8 मिनट, लेकिन अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि आपको क्लॉटिंग टाइम का कोई डिजीज़ है. इसे इवेलुएट कराने के लिए या टेस्ट कराने के लिए आप आ सकते हैं गणेश डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर, जो कि फ्री होम सैम्पल सर्विस भी प्रोवाइड कराता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.